नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल करियर पॉइंट पर। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम आप लोगों के लिए करंट अफेयर के क्वेश्चन लेकर आ गए हैं दोस्तों। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद में आपको बेल आइकन दिखाई देगा, उस पर भी क्लिक करिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि हम जो लेटेस्ट वीडियो डालें उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे और सबसे पहले आप लोग इन वीडियोज़ का फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों साथ में इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना हो सके शेयर करना फेसबुक और व्हाट्सएप पर, जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप हैं चाहे वो फेसबुक का हो व्हाट्सएप पर, उन पर शेयर करना, ताकि सभी लोग जुड़ कर यहाँ पर अपने एग्जाम की तैयारी कर सकें। दोस्तों डेली आपको यहाँ पर करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस की वीडियो आपको प्रोवाइड कराएं, जो कि आपके एग्जाम रेलवे, NTPC, ग्रुप डी और SSC के जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो आपका CHSL का हो, चाहे CGL, CPO, कैसा भी एग्जाम हो, सभी के लिए हमारी क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है दोस्तों। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर दे कमेंट बॉक्स में, ताकि पता चल सके आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। और दोस्तों लास्ट में, वीडियो के लास्ट में हमें कमेंट करना आज के 30 क्वेश्चन में से आपके कितने राइट रहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन, चलिए फ्रेंड्स देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन, रग्बी विश्व कप 2019 खिताब किसने जीता है? तो देखिए 2019 का रग्बी विश्व कप किसने जीता है? दक्षिण अफ्रीका ने। ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शंघाई सहयोग संगठन सरकार के प्रमुखों की परिषद की 18वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो देखिए कहाँ पर की गई है? ताशकंद में। ऑप्शन ए आपका सही होगा। नेक्स्ट देखिए, देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, द ट्रू मीनिंग ऑफ योगा पुस्तक के लेखक कौन है? द ट्रू मीनिंग ऑफ योगा पुस्तक के लेखक कौन है? आत्मन इन रवि। ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पुरुष एकल वर्ग में पेरिस मास्टर्स 2019 खिताब किसने जीता है? पुरुष एकल वर्ग में पेरिस मास्टर्स 2019 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए किसने? नोवाक जोकोविच ने। ऑप्शन बी आपका सही होगा, नोवाक जोकोविच यहाँ पे राइट आंसर। अगला देखिए, हाल ही में किस देश ने भारतीय मूल के शोधकर्ता नीरज शर्मा को अर्ली करियर रिसर्च ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा है? नीरज शर्मा को अर्ली करियर रिसर्च अवार्ड ऑफ द ईयर अवार्ड से किसने नवाजा है? देखिए किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। ऑप्शन सी आपका सही होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसे प्रतिष्ठित इटालियन गोल्डन अवार्ड 2019 से सम्मानित किया है? तो देखिए किसने? तो चलिए देखें यहाँ पर सही आंसर होगा, सुदर्शन पटनायक को। ऑप्शन ए आपका सही होगा, सुदर्शन पटनायक यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2019 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो देखिए यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? कोलकाता में। ऑप्शन डी आपका सही होगा, पांचवा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2019 जो है कोलकाता के अंदर आयोजित किया गया था। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस देश ने अगले 5 वर्षों में भारत में 1 बिलियन यूरो निवेश करने की घोषणा की है? तो देखिए किसने की है? जर्मनी ने। ऑप्शन ए आपका सही होगा, जर्मनी ने अगले 5 वर्षों में भारत में 1 बिलियन यूरो निवेश करने की घोषणा की है। नेक्स्ट देखिए, द्विवार्षिक राष्ट्रमंडल कानून मंत्री सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो देखिए कहाँ पर किया गया था? कोलंबो में। ऑप्शन डी आपका सही होगा, कोलंबो यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल इन्वेस्टर मीट 2019 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो देखिए आप इसका आंसर होगा धर्मशाला में। ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नासा का कौन सा यान हाल ही में 42 वर्षों की यात्रा के बाद सूर्य की परिधि तक पहुंचने वाला विश्व का दूसरा यान बन गया है? तो देखिए कौन सा बनाया है? ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, वेगा 2 आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? LJP, लोक जनशक्ति पार्टी के नए अध्यक्ष कौन बने? देखिए चिराग पासवान। ऑप्शन सी आपका सही होगा, चिराग पासवान यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए,
दोहा में आयोजित 14वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो देखिए किसने, मनु भाकर ने। ऑप्शन डी आपका सही होगा, मनु भाकर यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, मिस एशिया ग्लोबल टाइटल 2019 खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, चलिए देखिए, सारा दम जो नो नोविक आपका सही जाएगा, दमज नोविक जो है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2019 किसको सम्मानित किया गया है? राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2019 से देखिए किसको सम्मानित किया गया है, गुलाब कोठारी को। ऑप्शन डी आपका सही होगा। नेक्स्ट देखिए, विश्व में कितने वैज्ञानिकों ने एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके हाल ही में वैश्विक जलवायु आपातकाल की घोषणा की है? तो कितने वैज्ञानिकों ने, चलिए देखिए, 11,258 वैज्ञानिकों ने। ऑप्शन डी आपका सही होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, प्रथम बिश्टेक बंदरगाह सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कहाँ पर किया गया था, विशाखापट्टनम में। ऑप्शन सी आपका सही होगा। देखिए, द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री पक्का हविस्तो तो भारत के 4 दिवसीय यात्रा पर आए थे? देखिए किस देश के थे, चलिए देखिए, फिनलैंड के। ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नवंबर को आबू धाबी में इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद की बैठक किस संस्करण का आयोजन किया गया था? IORA, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद की बैठक के किस संस्करण का आयोजन किया गया था? देखिए, 19वीं जो बैठक हुई थी उसका संस्करण किया गया था। ऑप्शन ए आपका सही होगा। नेक्स्ट देखिए, गोल्फ टूर्नामेंट का बरमूडा चैंपियनशिप 2019 खिताब किसने जीता है? तो देखिए किसने जीता है, ब्रेडन टॉड ने। ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट देखिए, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो नेवी के एग्जाम की तैयारी करें उनके लिए अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय तटरक्षक बल ने हाल ही में कहाँ पर रीजनल लेवल सर्च एंड रेस्क्यू वर्कशॉप एंड एक्सरसाइज 2019 का आयोजन किया था? तो देखिए कहाँ पर किया था, पणजी में। ऑप्शन डी आपका सही होगा, पणजी यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, 2022 में अंडर 17 फीफा महिला विश्व कप का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा? तो किस देश में किया जाएगा, फटाफट कमेंट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे सही आंसर होगा भारत में, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हिंदी के किस साहित्यकार को वर्ष 2019 के व्यास सम्मान के लिए चुना गया है? तो देखिए किसको चुना गया है, नासिरा शर्मा को। ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट देखिए, पद्मश्री प्राप्तकर्ता नवनीता देवसेन का हाल ही में 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वे किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका थी? फटाफट कमेंट करिए किस भाषा की लेखिका थी। तो यहाँ पे सही आंसर होगा, बंगाली भाषा की लेखिका थी। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नवंबर में G20 देशों की संसदों के अध्यक्षों के 6ठे शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो यहाँ पे सही आंसर होगा, चलिए देखिए, टोक्यो शहर के अंदर। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नवंबर 2019 में भारत और किस देश के बीच बंगाल की खाड़ी में अभ्यास समुद्र शक्ति संपन्न हुआ है? तो देखिए यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, किस देश के बीच हुआ है, तो देखिए सही आंसर होगा आपका इंडोनेशिया। नवंबर 2019 में भारत और इंडोनेशिया के बीच बंगाल की खाड़ी में अभ्यास हुआ है, समुद्र शक्ति जो है संपन्न हो चुका है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। नेक्स्ट देखिए, ढाका लिटरेचर फेस्टिवल के 9वें संस्करण में किस भारतीय लेखक को जेमकोन यंग लिटरेचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो देखिए किसको सम्मानित किया गया है, अभिषेक सरकार को।
ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, अभिषेक सरकार यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019 के अनुसार अपने नागरिकों को न्याय दिलाने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा राज्य देखिए, महाराष्ट्र। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, महाराष्ट्र यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय व्यवसायी को ABLF ग्लोबल एशियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किस भारतीय व्यवसायी को किया गया है, फटाफट कमेंट कर दीजिए। तो यहाँ पे सही आंसर होगा कुमार मंगलम बिड़ला, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के नए राजनीतिक मानचित्र में काला पानी क्षेत्र को शामिल किए जाने का किस देश ने विरोध किया है? तो किस देश ने किया, देखिए नेपाल ने। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, नेपाल यहाँ पे राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के आज हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन जो अभी कंप्लीट हो चुके हैं। तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना हो सके शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी जुड़कर यहाँ पर अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सकें। अगर आप लोग भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद में आपको बेल दिखाई देगी, उस पर भी क्लिक कर लेना, ताकि हम जो लेटेस्ट वीडियो लेकर आए हैं उनका नोटिफिकेशन आप लोगों तक तो पहुँचे और सबसे पहले आप लोग इन वीडियोज़ का फ़ायदा उठा सकें। फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में हमें मैंशन करना आज की वीडियो आपको कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।